बात करें तो घर घर शौचालय और स्वच्छ भारत का अभियान पूरे देश में चल रहा है और इसका असर दूर दराज के इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के एक छोटे से गांव पंचायत कोटिया में, जहां 20 आंगनवाड़ी महिला कार्यकर्ताओं ने मिलकर घर घर शौचालय का बनाने का अभियान चलाया और आज पूरा गाँव पंचायत खुले में शौच से मुक्त हो चुका है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में है एक छोटा सा जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र ग्राम पंचायत कोटैया। इस ग्राम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता यानी मितानिन के पद पर काम कर रही अमिति सिरदार ग्रामीणों के बीच जाकर उन्हें खुले में शौच करने से रोकने के लिए एक अनूठा अभियान चला रही है। कोटैया ग्राम पंचायत सबसे पहले नंबर पे ODF हुआ है सर, और यहाँ हमारी मितानिन है, इनका नाम है श्रीमती समिति देवी, और इनकी मेहनत भी उसमें काम कर रही है मान लीजिए एक तरह से। और हमारे कोटिया ग्राम पंचायत में तो लगभग 80% लोग उपयोग कर रहे हैं इसका। गांव वाले को हम बैठक कर के बताए कि बाहर में शौच मत करें, वो शौचालय में शौच करें। हम लोग को फिर सीटी मिले तो सीटी बजा देते हैं और बताते हैं कि बाहर में मत जाओ, वहाँ शौचालय में शौच करो। दरअसल कोटैया के ग्रामवासी शौचालय के निर्माण के लिए और उसके इस्तेमाल के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। उनका मानना था कि खुले में शौच उनकी पुरानी दिनचर्या में शामिल है। गांव में व्याप्त इस अवधारणा को बदलने के लिए अमिति सिरदार ने 20 महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का समूह बनाया और ग्रामवासियों से अपील करने लगी कि वो अपने घर की महिलाओं का मान सम्मान बनाए रखने के लिए उन्हें प्रत्येक घर में शौचालय बनाना ही होगा। ये संगठन लोगों को खुले में शौच से होने वाली बीमारियों के बारे में जागरूक भी करता रहा। मितानिनों की इस पहल के फलस्वरूप ग्राम पंचायत कोटैया पूरी तरह से खुले में शौच मुक्त बन गया है और स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने के लिए अब कोटैया के ग्रामवासियों में अत्यधिक उत्साह का भी वातावरण है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से गुड न्यूज इंडिया के लिए राजेश सोनी की रिपोर्ट।